नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। उन्हीं तैयारियों को और भी मजबूत बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और आज है उसका लेक्चर नंबर 8। आइए लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे बॉक्सिस को। बॉक्सिस में एक में दिया हुआ है द्रविड़ आंदोलन। इस द्रविड़ आंदोलन को समझेंगे। साउथ इंडिया के एक बड़े आंदोलनों में से एक रहा है उसको समझेंगे, और फिर हम बात करेंगे गोवा की मुक्ति, ठीक है ना। गोवा की मुक्ति, लिबरेशन ऑफ गोवा पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो बॉक्स है गोवा की मुक्ति वाला, ये आपको बिल्कुल एंडिंग में दे रखा है, और द्रविड़ आंदोलन कहीं बीच में से दे रखा है। तो ये दोनों बॉक्सेस के टॉपिक अपन एक बार में ही कवर कर लेंगे। एक सिक्किम का विलय है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, मतलब जो लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, द्रविड़ आंदोलन की बात करते हैं। द्रविड़ आंदोलन, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। जब द्रविड़ आंदोलन चल रहा था, दक्षिण भारत का एक बड़ा आंदोलन है, ठीक है, और ये द्रविड़ आंदोलन कुछ चीज़ों को दर्शाता है। द्रविड़ आंदोलन बात करता है अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की, कि भाई क्षेत्रीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए। जो दक्षिण भारत है वो द्रविड़ लोगों का है, ठीक है, उन लोगों का है, और वहाँ पे उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए। दूसरी बात, ये कास्ट, एंटी कास्ट आंदोलन भी है। ये दर्शाता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं और जो उनका वर्चस्व है वो वर्चस्व खत्म होना चाहिए, सबके साथ समानता आनी चाहिए। ये बात ये भी दर्शाता है कि जो दक्षिण भारत है वो कम विकसित है और उत्तर भारत को ज़्यादा विकसित कर रखा, तो दक्षिण भारत को ज़्यादा स्वायत्तता दे करके ज़्यादा विकसित करना चाहिए। तो इसलिए जब ये द्रविड़ आंदोलन चला था तो अब ये नारे लगते थे कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। मतलब उत्तर जो भारत है उसका तो ज्यादा विकास हो रहा है और दक्षिण भारत का कम विकास हो रहा है। यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। तो द्रविड़ आंदोलन में जो नारे लगाए जाते थे उनका एक हिंदी रूपांतर है, मतलब हिंदी में कन्वर्ट करा गया है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था। तो जितने भी क्षेत्रीय आंदोलन हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर आंदोलनों में से एक आंदोलन रहा है। ये एक तस्वीर आपको दिखाई गई द्रविड़ियन मूवमेंट की, कि देखिए 1916 में बर्थ ऑफ द जस्टिस पार्टी टू टेक फॉरवर्ड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। हम जस्टिस पार्टी की बात करेंगे, हम ईवी रामास्वामी पेरियार की बात करेंगे, हम डीएमके पार्टी की भी बात करेंगे, ठीक है, डीएमके पार्टी की बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं, जस्टिस पार्टी की अपन बात करते हैं पहले। जस्टिस पार्टी, हिंदी में भी नाम जस्टिस पार्टी होगा और इंग्लिश में भी जस्टिस पार्टी होगा बेटा। ये 1916 में गठन हुआ, और इसका आपने क्लास 10th में भारत में राष्ट्रवाद में भी पढ़ा होगा जस्टिस पार्टी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा, ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो। जस्टिस पार्टी एक्चुअल में एक ऐसी पार्टी है जो कि एंटी कास्ट मूवमेंट को चलाती है, जो कि जाति प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाती है, जो ये कहती है कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ब्राह्मणिकल सिस्टम तो ये जो पूरा जो कास्ट सिस्टम है, इस कास्ट सिस्टम में जो शूद्र हैं या जो लोअर कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट के जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके साथ अत्याचार होता है। तो इसलिए क्या है, ये जस्टिस पार्टी बनाते हैं, जस्टिस पार्टी बना कर करके ये आंदोलन करते हैं कि साहब ये जितनी भी इस प्रकार की व्यवस्था है जो ऊंच नीच को बढ़ावा देती है या असमानता को बढ़ावा देती है, उनको खत्म करना चाहिए और समानता की बात करनी चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए। तो न्याय की बात करने वाली जस्टिस पार्टी है। ये जस्टिस पार्टी क्या मुद्दे उठा रही है, ये जस्टिस पार्टी मुद्दे उठा रही है कि भैया जो कास्ट सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, और कास्ट सिस्टम खत्म होकर करके समानता की बात होनी चाहिए, इक्वलिटी आनी चाहिए। ये जस्टिस पार्टी बाद में किस में चेंज हो जाएगी, डीके में चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर ये डीके बाद में डीएमके में चेंज हो जाएगी, और फिर ये डीएमके भी दो ग्रुपों में हो जाएगी, एक डीएमके और एक ओल्ड डीएमके। इन पे सभी पर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारतीय राजनीति में ये आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति थी। तो भारतीय राजनीति में ये जो आंदोलन है क्षेत्रीयवादी भावनाओं की, क्षेत्र के आधार पर जो भावना है उनमें सबसे प्रथम और सबसे प्रबल आंदोलन रहा है। मतलब सबसे पहले अगर क्षेत्र के आधार पर कोई आंदोलन हुए तो वो भी द्रविड़ में हुए, द्रविड़ आंदोलन हुआ, और सबसे प्रबल, सबसे मजबूत जो अभिव्यक्ति आंदोलनों को देखने को मिली है वो भी इसी आंदोलन में देखने को मिली है। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व के एक हिस्से की आकांक्षा स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। तो इस वाले जो पैराग्राफ में या इस वाले पॉइंट में दो बातें हैं, एक अच्छी बात, एक बुरी बात। बुरी बात यह है कि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था उसमें एक वर्ग ऐसा है, एक
कुछ लोगों का समूह ऐसा है जो कि अलग से एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की आकांक्षा रखते हैं कि अलग से एक द्रविड़ राष्ट्र होना चाहिए जो कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, दक्षिण भारत की जो इतिहास है उसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के अलग से राष्ट्र होना चाहिए, द्रविड़ राष्ट्र होना चाहिए। इस आंदोलन के कुछ लोगों का, कुछ वर्ग का मानना था कि भाई अलग से द्रविड़ राष्ट्र होना चाहिए। और इसकी आंदोलन की अच्छी बात यह है कि इन्होंने कभी भी सशस्त्र संघर्ष नहीं करा, मतलब कभी भी हथियार नहीं उठाए, हिंसा के रास्ते से ही चल करके अपनी आवाज उठाई, हिंसा के रास्ते पर चल के अपनी मांगों को पूरा करा। आप देखिए जम्मू कश्मीर में हथियार उठ रहा है, आप देखिए पंजाब में हथियार उठ रहा है, आपने देखा पूर्वोत्तर में हथियार उठ रहे हैं, परंतु यहां पर द्रविड़ आंदोलन में जो सबसे पुराना आंदोलन है, क्षेत्रवादी भावनाओं आकांक्षाओं का सबसे प्रथम आंदोलन रहा है, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने बिल्कुल भी हथियार नहीं उठाए, उन्होंने सिर्फ हिंसा के रास्ते पर चल कर करके और लोगों से बातचीत कर करके लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी आवाज़ को उठाया है, अपनी आवाज़ को मजबूत कराया है। ये तस्वीर दिखाइए, ये जनरल ही है कि मीटिंग की, बाकी जनरल ये कोई आंदोलन से जुड़ी हुई नहीं है, जनरल मीटिंग को दर्शाया गया है। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहस और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया है। तो सार्वजनिक बहस, पब्लिक डिबेट्स होना कि भाई लोगों के बीच में जाकर के डिबेट्स करना, बताना उन लोगों को, और चुनावी मंच मतलब पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली भाई चुनाव हो, उसमें जीते और उसमें हम हमारी मांग करें, उस प्रकार से हथियार नहीं उठाए गए। द्रविड़ आंदोलन की वागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कष्टकम का सूत्रपात हुआ। तो द्रविड़ आंदोलन की जो वागडोर थी, जो मेन जो इसके लीडर थे, वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है। पेरियार का अर्थ होता है द रेस्पेक्टेड, जो बड़े सम्मानजनक हो, जो बड़े सम्मान्य हो, मतलब जो हमारे बड़े सम्मान्य होते हैं, जिनके हम बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, तो साउथ में उनको पेरियार कहा जाता है। तो पेरियार को ये टाइटल दिया गया था, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार जिनको कहा जा रहा है, ये बड़े समाज सुधारक रहे हैं। दक्षिण भारत में जाति विरोधी आंदोलन चलाने में इनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। दक्षिण भारत में समानता स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका रही है, और दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को अधिकार दिलाने में भी एक बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। तो द्रविड़ आंदोलन की भूमिका इन्हीं के हाथ में थी। और फिर बाद में एक राजनीतिक संगठन बना जिसका नाम था द्रविड़ कष्टकम। तो जो मैंने आपको कहा जस्टिस पार्टी है, तो फिर वो बाद में क्या बन जाएगी? द्रविड़ डीके बन जाएगी। तो डीके क्या हो गया? द्रविड़ कष्टकम, ठीक है। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। तो ये जो संगठन है, कौन सा? डीके जो संगठन है, ये ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था। मैंने क्या कहा? यहाँ पे जो जस्टिस पार्टी बनी है, जस्टिस पार्टी का ही आगे वर्जन है डीके। और जो जस्टिस पार्टी है उसका मेन मुद्दा यह था कि भारत में से जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, भारत में से जाति के आधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म होने चाहिए। तो ये जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था का विरोध करा है, ठीक है, ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करा है। उन्होंने कहा ये जो पूरा जाति व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का दबदबा है, वो अपने अनुसार सब कुछ करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर जो है उनको दे रखी है, सबसे ज़्यादा विशेषाधिकार जो है उनको दे रखे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। सबके पास क्या है? समानता वाले अधिकार होने चाहिए। तो इस वर्चस्व का विरोध करा, मतलब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जाति व्यवस्था का, जाति प्रथा का विरोध करा गया है। उसके अलावा उत्तरी भारत का जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व, उसको भी नकारा है कि भैया जो दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत पे उत्तरी भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। हमारा खुद का इतिहास है, हमारी खुद की संस्कृति है, हमारा खुद का इतिहास होगा, हमारी खुद की संस्कृति होगी, तो हम किसी हमारे देश के ही जो उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, उनकी संस्कृति को नहीं अपनाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि 1965 में हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलाया जाता है तमिलनाडु में, जिससे कि डीएमके 1967 में राज्य के विधानसभा में चुनाव जीत जाती है। तो ये क्या था कि नहीं साहब, उत्तर भारत की जो हिंदी भाषा उसको हम नहीं अपनाएंगे, उनका प्रभुत्व हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर दिया कि हमारे क्षेत्र का जो गौरव है, हमारे क्षेत्र का जो इतिहास है वो बना रहना चाहिए, हमारी संस्कृति बनी रहनी चाहिए। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिण राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। तो शुरुआत में जब द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में था कि भाई पूरा दक्षिण भारत को साथ लेकर चलने की बात है, कि नहीं भाई ये जो द्रविड़ आंदोलन है ये किसी एक राज्य का नहीं है, पूरे दक्षिण भारत का है, पूरे साउथ इंडिया का है, परंतु जो बाकी जो साउथ इंडिया के राज्य हैं, जैसे केरल हो गया, आंध्र हो गया, उनका सपोर्ट इतना नहीं मिला, और फिर बाद में फाइनली ये आंदोलन कहाँ तक रह गया? तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। और हमने देखा कि जो 1965 में एंटी हिंदी
प्रोटेस्ट हुआ था जो हिंदी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें भी जो मेन प्रभाव था वो तमिलनाडु में हुआ था, उग्र प्रदर्शन भी वहाँ पर हुए थे, और जो डीएमके की सरकार बनती है वो भी कहाँ पर बनती है, तमिलनाडु में ही बनती है। इसलिए कहता हूँ कि हमने जो चैप्टर पढ़े, हमने जो लेक्चर पढ़े, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ से कौन से कनेक्ट कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आज आप यहाँ पर तमिलनाडु की बात कर रहे हो, आप द्रविड़ आंदोलन की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर डीएमके का जिक्र करोगे, और अभी आएगा भी डीएमके का जिक्र, और डीएमके ने 1967 में राज्य विधानसभा में सरकार बनाई, ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पहले के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है, जब हम चुनाव की बात कर रहे थे, फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात कर रहे थे, हम चौथे जो आम चुनाव हुए लोकसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के उनकी बात कर रहे हैं। ओके, ये तस्वीर दिखाइए नेताजी की, नमस्कार 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 नमस्कार। बाद में द्रविड़ कषगम दो धड़ों में बट गया, मतलब दो ग्रुप्स में बट गया, आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुनेत्र कषगम, तो ये क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके, क्या कहा गया, डीएमके, तो डीके डीएमके के पाले में केंद्रित हो गए। तो जो दो धड़ों में बटा, दो देखिए, जस्टिस पार्टी बनी डीके, ठीक है, कौन सी, द्रविड़ कषगम, जस्टिस पार्टी बनी डीके, डीके दो पार्ट्स में बट गया, जिसमें से जो मेन है डीएमके है, ठीक है, मेन कौन सा है, डीएमके, सारा का सारा, अब जो ज्यादा पावर थी वो किसके पास थी, डीएमके के पास थी, ज्यादा जो सपोर्टर्स थे वो किसके पास थे, डीएमके के पास थे। 1953-54 के दौरान डीएमके ने तीन सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा, तो 1953-54 में तीन सूत्री, तीन मांगे थी किसकी, डीएमके की, तीन मांगे थी, और तीन मांगों के साथ क्या है, आंदोलन की शुरुआत करी गई, ठीक है। अब वो तीन मांगे कौन सी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखो, आंदोलन की तीन मांगे थी, पहली, कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए, संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी। अब इस चीज को बड़ा अच्छे से समझिए आप लोग, देखिए, एक तमिलनाडु में एक जगह है और वहां का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है कल्लाकुड़ी, ठीक है, ये आपको दिखाया गया है, ठीक है, कल्लाकुड़ी, और ये तिरुचिप्राली एक वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उस जिले में एक होम, एक टाउन है बेटा, ठीक है, कस्बा कह सकते हो। देखो, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर क्या होती है, खेतीबाड़ी ज़्यादा होती है, और एक होता है शहरी क्षेत्र जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होते हैं। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा मानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम जनसंख्या कम मानते हैं, और इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको कस्बा कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा विकास भी है, थोड़ी खेतीबाड़ी भी है, जनसंख्या भी ठीक है, तो ये कस्बा है तिरुचिप्राली, ये जो है, देखो यार, कोई नाम का अगर गलत हो रहा प्रोनाउंसिएशन तो एक्सेप्ट कर लेना, तिरुचिप्राली ये क्या है, जिला है, और उसमें एक छोटा सा कस्बा है कल्लाकुड़ी, ये कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन है। तो सरकार ने क्या करा, कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया, डालमियापुरम कर दिया। तो अब यहाँ पे लोगों ने डिमांड करी, स्पेशली डीएमके ने ये डिमांड करी कि साहब पहले जो नाम था वही नाम लेकर क्या हो, ये डालमियापुरम हटाओ। डालमियापुरम क्यों हटाओ, क्योंकि देखो एक्चुअल में डालमिया ये जो है ना, ये एक बेटा सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रुप है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रुप है, ठीक है, जिसकी इंडस्ट्री तो साउथ में भी लगी हुई है, तमिलनाडु में भी लगी हुई है, परंतु ये जो डालमिया ग्रुप है, ये ग्रुप कहाँ का है, नॉर्थ का है, उत्तर का है, तो इसलिए डालमियापुरम नाम करना मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो दक्षिण भारत है उसको उत्तर भारत के रंग में रंगा जा रहा है, उत्तर भारत के जो उद्योगपति है उनके रंग में रंगा जा रहा है, और दक्षिण भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या, समाजवादी प्रवृत्ति का है, और ये डालमियापुरम इस प्रकार से जो उद्योग है उनके नामों पर इस प्रकार से नाम रखा जाएगा, ये थोड़ा सा पूंजीवादी विचारधारा को दर्शाता है। तो बोला नहीं नहीं भैया, आप कल्लाकुड़ी करो, डालमियापुरम नहीं, ये डालमियापुरम क्या दर्शा रहा है कि उत्तर भारत का प्रभुत्व दक्षिण भारत पर आ रहा है, ठीक है, जो पूंजीवादी सोच है उसका समाजवादी पर प्रभुत्व आ रहा है। तो ये जो आंदोलन है बहुत सी चीजें दर्शा रहा है, क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात करता है, जाति व्यवस्था को भी खत्म करने की बात करता है, और ये कहता है कि नहीं भैया, जो उत्तर भारत का प्रभुत्व है वो भी नहीं होना चाहिए, वो जैसे वो तो क्षेत्रीय स्वायत्तता में आ ही जाएगा। तो ये जो संगठन की मांग थी उत्तर भारत के आर्थिक प्रतीकों को के प्रति उसके विरोध को प्रकट करने की थी, क्योंकि आर्थिक प्रतीक है, एक इकोनॉमिकली एक उद्योग है उसका ग्रुप है जो कि मेन जो वो है उत्तर में है, और उसके नाम पर आप दक्षिण के एक रेलवे स्टेशन का नाम रख रहे हो, तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। तो पहली जो डिमांड थी, पहली मांग क्या थी, कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नाम वापस से क्या कर दिया जाए, कल्लाकुड़ी कर दिया जाए। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। दूसरी जो डिमांड करी गई वो ये करी गई कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है, जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ठीक है, जो भी स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है उसमें ज्यादा क्या पढ़ाया जाए, तमिल संस्कृति के इतिहास को पढ़ाया जाए,
ठीक है, उत्तर भारत का इतिहास ना पढ़ा करके कहा है जो तमिल संस्कृति है यहाँ के इतिहास को पढ़ाया जाए, यहाँ के इतिहास यहाँ की संस्कृति के बारे में बच्चों को ज़्यादा बताया जाए। मतलब स्कूलों में वो पढ़ाओ जो हम लोग चाहते हैं जो दक्षिण भारत के इतिहास में है, जो तमिल के इतिहास में। मतलब पहली डिमांड तो क्या थी, एक रेलवे स्टेशन का नाम वापस से पहले वाला करना। दूसरी डिमांड, स्कूली पाठ्यक्रम में अपनी संस्कृति अपने इतिहास को जोड़ना। अब तीसरी डिमांड और सुनिएगा, संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। इस चीज को समझिएगा बेटा, ये चीज आपको कोई नहीं समझा रहा, ठीक है, शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम कोई भी नहीं समझा रहा, ठीक है। चाहे आप कहीं पर काफी को पता ही नहीं होगा शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम क्या है, परंतु मैं आप लोगों के लिए पूरा खोज करके लाया हूं कि आप शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम समझा के आऊंगा। एक्चुअल में हुआ क्या कि भैया आप सभी को पता है कि हम 1947 में आज़ाद हुए, फिर 50 में संविधान लागू हो गया, 52 में चुनाव हुए। 52 में चुनाव ना होने के बाद क्या है कि तमिलनाडु के सीएम या जो पहले मद्रास था उसके सी राजा गोपालाचारी सीएम बनते हैं, ठीक है। कौन बना सीएम? सी राजा गोपालाचारी वहाँ के सीएम बने। और सी राजा गोपालाचारी जब वहाँ के सीएम बनते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो वहाँ पर एक शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम लेकर के आते हैं। इसके तहत क्या था, इसके तहत यह था कि स्कूल का जो सेशन होगा वो दो भागों में होगा, दो भागों में स्कूल चलेगी। पहला जो एक सुबह का भाग होगा, मॉर्निंग का भाग होगा, उसमें तो क्या है बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है वो एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है किताबों में जो कुछ भी है वो पढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो सेशन होगा मतलब जो शाम का टाइम होगा उसमें क्या होगा, बच्चे अपने माता पिता के साथ उनके काम पर जाएंगे और वो काम सीखेंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें तो क्या बुराई है, जैसे आज आप टीचर हो तो आपका बेटा आकर के आपके साथ टीचिंग सीखे तो उसमें क्या बुराई है, ठीक है। परंतु यहां पर डीएमके ने विरोध करा, डीएमके ने बोला ये बात गलत है और कुछ हद तक गलत भी है। बोला कैसे गलत है? बोले इसलिए गलत है कि आप उनको कह रहे हो कि अपने माता पिताओं के साथ जाकर के काम सीखो। अब ये तो क्या है, ये तो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली बात है, क्योंकि उस समय में तो जो जिस जाति का है वो वही काम कर रहा है। तो अगर आज मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता सफाई कर्मचारी का काम करते हैं तो क्या वो भी अपने माता पिता के साथ जाकर सफाई कर्मचारी काम करे, या किसी बच्चे के पिता और कोई माता पिता काम करते हैं तो क्या वो भी वही काम करें? मतलब आप बच्चों को एक तरफ पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उनको यही बता रहे हैं कि नहीं बेटा काम तो तुझे यही करना है। तो इस चीज का भी विरोध हुआ। तो ये जो शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम था वो यही था 1953 में वहां तमिलनाडु में लाया गया कि भैया स्कूल दो भागों में चलेगी, एक मॉर्निंग में आपको पढ़ाया जाएगा और दूसरा इवनिंग में आप अपने माता पिताओं के साथ जाकर करके जो वह काम कर रहे हैं वह काम करना पड़ेगा। डीएमके ने इसका विरोध करा और विरोध कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि भैया इस प्रकार से अगर माता पिता के साथ बच्चा जाएगा, ठीक है, पहली बात तो यह कि अगर बच्चा माता पिता के साथ जाकर के काम कर रहा है तो उसको पढ़ने का मौका कब मिलेगा, जो आपने सुबह स्कूल में पढ़ाया है उसको पढ़ने का मौका कब मिलेगा। और दूसरा कि भैया जो बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो माता पिता काम कर रहे हैं वही काम वो करेगा, मतलब इससे तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ये जो शब्द है ये डीएमके पार्टी के हैं। फिर 1953 में ये आंदोलन काफी आगे बढ़ता है और सी राजा गोपालाचारी जी से, जिन्हें राजा जी भी कहा जाता था, उनसे इस्तीफा मांगा जाता है और इस्तीफा दे दिया जाता है। और फिर उसका जो अगले जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर आते हैं के कामराज, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, तो कामराज जी क्या करते हैं वहाँ से इस जो व्यवस्था को हटाते हैं, शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है। ओके, तो ये था शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम जो कि राज्य सरकार का था, इसको लेकर के तीसरी मांग थी कि भाई इसको निरस्त करा जाए, इसको हटाया जाए। तो तीन मांगे ध्यान रखिएगा, कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन का नाम डालमियापुरम कैंसिल करो, दूसरा जो स्कूली शिक्षा है उसमें तमिल इतिहास को पढ़ाओ, और तीसरा शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाए, जो कि कर दिया भी गया था। संगठन के अनुसार ये नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, मतलब एक प्रकार से जातिवादी जो दृष्टिकोण है उसको बढ़ावा देती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ जा रहा है तो वो वही काम कर रहा है, ठीक है, और ये जो पहले जो काम करते थे लोगों को वो जाति व्यवस्था के आधार पर करते थे कि भैया मैं काम करता हूँ वही मेरे आने वाली पीढ़ियाँ कर रही, ये जाति व्यवस्था थी, ठीक है। तो अब आप बच्चों को उन्हीं माता पिता के साथ वही काम करने के लिए भेज रहे हो, इसका मतलब तो क्या है कि भैया आप जाति व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हो। तो ये डीएमके पार्टी का कहना था। डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के भी खिलाफ थी। तो अब ये तीन बातें तो द्रविड़ मूवमेंट में चलती रहती है। अब चौथा मुद्दा 1965 में भी उठ जाता है। 1965 में जब ये कहा जाता है कि भैया हिंदी को राजभाषा के तौर पर प्रयोग करा जाएगा और इंग्लिश का प्रयोग बंद करा जाएगा, तो डीएमके ने आंदोलन खड़ा कर दिया, बोले नहीं हिंदी को राजभाषा के तौर पर नहीं। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में हम लोगों को दो ही भाषाएं आती हैं, या तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है जैसे तमिल मलयालम कन्नड़ वो लैंग्वेज आती है, और उसके अलावा हमें इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश को बंद कर दिया गया तो हम हिंदी सीखने को तैयार नहीं है। और हिंदी क्यों नहीं सीखना चाहते? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तर भारत का
प्रभुत्व रहेगा उत्तर भारत का, वर्चस्व दिखेगा कि नहीं साहब उत्तर भारत की जो भाषा है वो हम पर थोपी गई है। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। तो जो 1965 में जो हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया गया था उससे डीएमके और भी पॉपुलर हो गया, और इतना पॉपुलर हो गया कि 1967 के राज्य विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। हम देखते हैं कि 1967 में 9 राज्यों में इंदिरा गांधी जी को हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें से 8 राज्यों में तो गठबंधन की सरकारें बनती है, जिनमें से कुछ राज्यों में तो एक्सचेंज होता है कि लोग इधर उधर चले जाते हैं और सरकारें बन जाती है, और एक ही राज्य होता है जहां पे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। पहली बार उस समय भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, तो डीएमके की बनी थी 1967 में। जो हम आज पढ़ रहे हैं पहले वाले चैप्टर्स के साथ लिंक करते चलिएगा, जिससे आपको और भी अच्छे से याद रहेगा। राजनीतिक आंदोलन के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी, ये बात मैंने भी आपको बताई। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। तो अभी तक भी आप देखेंगे ना तो द्रविड़ जो दल है उनका वर्चस्व कायम है, उनका दबदबा तमिलनाडु की राजनीति पे ज्यादा है। जैसे कि आज भी जो वहां के जो सीएम हैं एमके स्टालिन, वो कौन सी पार्टी के हैं, वो डीएमके पार्टी के ही हैं। यह आंदोलनों की एक तस्वीर दिखाई गई है जो कि तमिलनाडु के आंदोलन नहीं, विदेश के आंदोलन है, परंतु आंदोलन है। डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरे की मृत्यु के बाद दल में दो फाड़ हो गए, दो फाड़ मतलब दो ग्रुप हो गए, बट गया वापस सी अन्नादुरे, ये है सी अन्नादुरे। तो डीएमके के संस्थापक, ठीक है, डीएमके आपको पता है जस्टिस पार्टी से डीके बनी, डीके के दो फाड़ हुए जिसमें से एक बना डीएमके, जो कि जिसके पास में मेन पावर थी। अब डीएमके के जो संस्थापक थे सी अन्नादुरे, उनकी डेथ हो गई तो वापस ये दो ग्रुपों में बट गया। इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चला, तो एक ने तो नाम रखा डीएमके भैया, और दूसरा दल खुद को ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक बना लिया, ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक उन्होंने बना लिया। कहने लगा ये दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता था। तो ये जो दूसरा वाला दल है ये कहता है कि नहीं साहब जो द्रविड़ विरासत है उसके असली हकदार तो हमें, मतलब ये जो आंदोलन सब कुछ थे हमने ही करे और हम ही द्रविड़ इतिहास को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ये सी अन्नादुरे जी हैं। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं। इनमें से एक ना एक दल 1996 से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा है। तो 4 दशकों से मतलब 40 सालों से आप ये बात देखिए इन दोनों दलों ने तमिलनाडु की राजनीति पर अपना दबदबा बना रखा है। क्या तो इनकी सरकार, क्या इनकी सरकार, क्या इनकी सरकार, क्या इनकी सरकार, ठीक है, तो दोनों में से किसी की सरकार चलती रहती है। और 1996 से 1996 से केंद्र में आपको बताया गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। तो गठबंधन की सरकारों में इनमें से कोई सा ना कोई सा दल 1996 से रहा है। 1996 से लेकर के जनवरी 2014 तक तो इन दोनों दलों में से कोई से ना किसी दल ने गठबंधन की भूमिका केंद्र में निभाई है। 1990 के बाद MDMK, तो भैया ये क्या है, मरु मलच द्रविड़ मुनेत्र कशकम, ये एक पार्टी का नाम है। PMK पट्टाली मक्कल कच्ची, ठीक है, फिर DMDK देशिया मुरपोकू द्रविड़ कशकम, जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तो आप मत ही याद करिएगा, आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा MDMK PMDK DMDK, ठीक है, ये सब अन्य दल अस्तित्व में आए, ये नाम याद मत करिएगा, नहीं होंगे। अगर आप लोग ये नाम याद करने लगे ना बच्चों तो सच में आप बाकी के सब कुछ भूल जाओगे, पूरा बाकी सब कुछ भूल जाओगे। तो आप शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, बाकी इतना डीप में जाकर के नहीं पूछेगा कि भाई कौन कौन सी पार्टियों का उदय हुआ, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखिए पूरे भारत का इतिहास ही बेहतर है, पूरे भारत की संस्कृति बेहतर है, तो अगर आप इन शब्दों को भी याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा। तो ये सभी जो पार्टियां बनी इनका मुद्दा एक ही था, क्षेत्रीय गौरव, ठीक है, कि भाई हमारे लिए जो हमारा रीजन है, हमारे जो रीजन की आकांक्षा है, हमारी जो भाषा है वो महत्वपूर्ण है, और उसी बातों को ये समय समय पर उठाते रहे अलग अलग दल अलग अलग रूप में। एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। तो कभी एक समय था जब क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था, कि भाई क्षेत्र के आधार पर जो राजनीति हो रही है, जो क्षेत्र से लोगों का इतना जो प्रेम दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, ये देश की राष्ट्र के लिए खतरा है, राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। परंतु जो तमिलनाडु में जो क्षेत्रवाद की राजनीति है और क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद का सहकारिता है, मतलब दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, क्षेत्रवाद की भी भावना है और राष्ट्रवाद की भी भावना है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हमें तमिलनाडु से मिलता है। अब हम बात करेंगे EV रामा स्वामी नायकर की।
ईवी रामास्वामी नायकर या जिन्हें पेरियार कहा जाता है, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और डेथ 1973 को। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध, तो पेरियार किनको कहा जाता है जो रेस्पेक्टेड होते हैं, तो रेस्पेक्टेड के में लिया गया। उनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक, इसका मतलब क्या है, ईश्वर को ना मानने वाले, ठीक है, तो ईश्वर को नहीं मानते थे ये, ठीक है, तो ईश्वर को ना मानने वालों में से प्रबल समर्थक थे कि नहीं भाई ईश्वर ईश्वर कोई नहीं होता है। जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक, तो जाति विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में जाति विरोधी आंदोलन चलाया, और द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक मतलब जो द्रविड़ जो अस्मिता है, जो पहचान है, उसको लोगों में जगाने वाले, उसको बनाए रखने वाले। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में करी। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया 1925 में। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करा, कि ब्राह्मण के जो विरोध में आंदोलन हो उनका नेतृत्व कराया। जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता रहे। द्रविड़ कषकम की स्थापना करी, मतलब जो डीके पार्टी थी उसकी स्थापना करी है। हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध करा है, और उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं, तो इनका ये कहना है कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं और जो ब्राह्मण हैं वो क्या है, द्रविड़ों से अलग है, द्रविड़ अलग है और ये उत्तर भारतीय लोग और ब्राह्मण कौन है, आर्य हैं बेटा, ठीक है, आर्य हैं। इस मत का प्रतिपादन उन्होंने किया है, ठीक है, ये बात देखिए, आर्यन एक थ्योरी दी जाती है, ये कहा जाता है कि जो द्रविड़ ग्रुप के लोग हैं वो स्टार्टिंग से भारत में रह रहे थे, और फिर जो ये आर्यंस हैं, हिंदी में आर्य कहा जाता है, वो बाहर से आए, यहाँ पे अटैक करा, और जो द्रविड़ंस हैं उनको दक्षिण में धकेल दिया और ये उत्तर में रूल करने लगे, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मानना है। तो उन्होंने कहा कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो क्या है, वो आर्य हैं, और बाकी जो द्रविड़ हैं वो यहाँ के हैं, ओके, ये बात इन्होंने प्रतिपादन करा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा द्रविड़ जो आंदोलन है वो भी पूरा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे गोवा की मुक्ति की, गोवा की मुक्ति या हम कहेंगे लिबरेशन ऑफ गोवा, लिबरेशन ऑफ गोवा। अब देखिए, अब आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ, मतलब जो इंग्लैंड के या यूनाइटेड किंगडम के लोग थे उन्होंने भारत की जो सत्ता है वो भारत के लोगों में ट्रांसफ़र कर दी और खुद अपने देश चले गए। परंतु 1947 में जब वो यहाँ से गए तो 1947 के बाद भी दो जो यूरोपियन कंट्रीज़ का राज भारत पर था, किस किस का, एक तो फ्रेंच का, जो फ्रांसीसी लोग हैं, फ्रांसीसी लोगों का राज कहाँ पर था, पुडुचेरी वाला जो इलाका है जिसको आज भी हम केंद्र शासित प्रदेश बना करके रख रहे हैं, वो 1956 में गए, ठीक है, फिर एंडिंग तक जो रहे वो पुर्तगाली रहे, पुर्तगालियों का राज कहाँ पर था, गोवा में था, और पुर्तगालियों को हमने कब बाहर निकाला, 1961 में, दिसंबर 1961 में हमने बाहर निकाला, वही कहानी हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी है कि सबसे पहले अगर भारत में यूरोपियन कंट्री से कोई आया था तो 1498 में कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली का मतलब क्या है, जो पुर्तगाल का हो, पुर्तगाल एक देश है बेटा, तो पुर्तगाली का एक व्यक्ति है वास्को डी गामा, वो 1498 में समुद्र के रास्ते से, समुद्र का रास्ता भारत तक खोजते हुए भारत पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से व्यापार करना शुरू कर देता है। और आपको पता है भारत सोने की चिड़िया था, समृद्ध देश था, भारत में मसाले बहुत फेमस थे, तो उनको ले जाकर खूब व्यापार कराया जाता था, खूब पैसा पुर्तगालियों ने कमाया। फिर 1510 में एक पुर्तगाली व्यक्ति आता है जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बरक्यू, ठीक है, आपको उसका नाम याद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक कहानी बता रहा हूँ। अल्फांसो डी अल्बरक्यू पुर्तगाली व्यक्ति है, उसने फाइनली गोवा को पूरा कैप्चर कर लिया, गोवा पर अपना अधिकार जमा लिया। अब गोवा पर अधिकार जमा लिया गया 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ाद कर दिया, और 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है पुर्तगालियों से कि आइए बैठ करके बात करते हैं, अब आप भी अपने देश जाइए, ठीक है, जब सभी चले गए तो आप भी जाइए, तो पुर्तगालियों ने साफ मना कर दिया, यहाँ तक कि बात करने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि गोवा जो है, गोवा पुर्तगालियों का अभिन्न अंग है, गोवा पुर्तगालियों का अभिन्न हिस्सा है, वो पुर्तगाल से कभी अलग नहीं हो सकता, और जब यहाँ पर पुर्तगाली आए थे तब इंडिया नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो वो गोवा था, गोवा पर हमने कंट्रोल कर लिया, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर भारत गोवा को लेता है तो इलीगल होगा, अवैध होगा। परंतु भारत सरकार ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, मिलिट्री का भी प्रयोग भारत सरकार करेगी, और भारत सरकार की कूटनीति थी जो डिप्लोमेटिक तरीका था वो भी बहुत अच्छा था। डिप्लोमेटिक तरीका होता है, इसका अर्थ ये होता है कि बिल्कुल आप देखो, जैसे आज हम कहीं पर सीधा डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकते, हम युद्ध करेंगे तो पूरे विश्व में हमारी बुराई होगी और होगा, तो एक कूटनीति मतलब आप कह सकते हो कि स्मार्टनेस तरीके से गोवा को हमने लिबरेट करवा लिया। अब 1950 में जब इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने मना कर दिया, तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो इंडिया नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो बोले बेटा तुम जब नहीं आए थे ना तब से इंडिया भारत है, तो अगर तुम सीधे घी से अगर उंगली नहीं निकालेंगे तो अब हम उंगली को टेढ़ी करके घी निकालेंगे। तो भारत ने क्या करा,
अब आप ये चीज समझिए कि पुर्तगालियों के अंडर में कौन कौन सी जगह है, ठीक है, पुर्तगालियों के अंडर में कौन कौन सी जगह, गोवा तो है ही, उसके अलावा दमन एंड दीव जो कि हमारी पहले एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश हुआ था, हुआ करता था, और फिर दूसरा दादर एंड नागर हवेली। अब आज इन दोनों को मिलाकर के सरकार ने एक बना दिया। अब 1952 में सरकार ने, भारत सरकार ने क्या, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल आर्मी नहीं रहती थी पुर्तगालियों की, ठीक है, पुलिस वुलिस रहा करती थी, तो भारत सरकार ने इसको क्या है कवर कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और लोगों का तो समर्थन था ही, तो फाइनली 1954 में दादर नागर हवेली दमन दीव तो भारत सरकार के अंडर में आ जाते हैं। फिर बात होती है गोवा की, तो गोवा की में नेहरू जी की कोशिश रहती है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, विदेशों में भी नेहरू जी कोशिश करते हैं, अमेरिका को, यूएसएसआर को, इनको कहते हैं भैया देखो शांतिपूर्ण तरीके से पुर्तगाल को समझा लो और वापस बुला लो। और उस समय जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वीके मेनन जी, वो भी यूएनओ में भी कहते हैं कि देखो भैया गोवा हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, तो इसलिए पुर्तगालियों को समझाओ और हमें जब जरूरत लगी तो हम आर्मी का भी प्रयोग करेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि हम हिंसा फैलाए। तो कहीं से समर्थन भारत को नहीं मिला, पर फिर बाद में अमेरिका में सत्ता बदली, जॉन एफ कैनेडी वहाँ के राष्ट्रपति बने। जॉन एफ कैनेडी थोड़े से उदारवादी थे, तो उनको लगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भारत की ज़मीन है, भारत के पास ही रहनी चाहिए, तो बोले ठीक है भाई आपको जैसा उचित लगता हो आप करिए। तो भारत ने वहाँ के लोगों को पहले तो कोशिश करी कि भैया वो पुर्तगाली चले जाए, पर पुर्तगाली मानने से नहीं थे, पुर्तगाली ने बिल्कुल भी नहीं माना कि भाई हम छोड़ करके जाए, नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से हो रहा था, वो नहीं जाना चाहते थे। और यहाँ पर पुर्तगाल आज़ादी का जब आंदोलन हमारा चल रहा है उसमें पहले आप देखिएगा कि 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑफिस खोला जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की लीडरशिप में, वहाँ पे ऑफिस खोला गया। उसके बाद 1946 में राम मनोहर लोहिया जी वहाँ जाते हैं और वो ये कहते हैं जनता को कि अरे उठो भाई सरकार के खिलाफ, हिंसात्मक रूप से आप क्या करो, विरोध प्रदर्शन करो। मतलब लोगों में धीरे धीरे ये बात आ गई थी कि नहीं भैया हमें इनसे आज़ाद होना है, हमें इनसे फ्री होना है। अगर आप इस पूरे टोटल एरिया को मिलाकर के देखोगे तो उस समय 6 लाख तक की आबादी हुआ करती थी, उस 6 लाख की आबादी में 61% हिंदू थे, 35% ईसाई धर्म के लोग थे और बाकी जो है वो दूसरे धर्म के लोग होते। तो ये 6 लाख की जनसंख्या और फिर धीरे पहले से धीरे धीरे यहाँ पर लोगों में ये जागरूकता लाना कि नहीं साहब पुर्तगालियों को हटाना है, पुर्तगालियों को बाहर भेजना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी लोगों में भी यह था कि नहीं साहब हमें पुर्तगाल से आज़ाद होना है। बीच बीच में लोग विरोध प्रदर्शन भी करते हैं पर पुर्तगाल की आर्मी, पुर्तगाल की सरकार उनको दबा देती है, उनका दमन कर देती है। अब हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फिर है 24 नवंबर 1961 का दिन याद करिए, कौन सा दिन, 24 नवंबर 1961 का दिन। तो अब क्या है कि जैसे यहाँ पर गोवा है, एक बार उदाहरण ले लीजिएगा, और यहाँ पर कोची है, ठीक है, कोची, तो अब एक क्या है, यहाँ पैसेंजर बोट जा रहा था, ठीक है, पैसेंजर का जो जहाज होता है वो जा रहा था, उस पर पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया और उसमें हमारे कुछ पैसेंजर्स मारे गए। जब वो पैसेंजर मारे गए ना तो भारत को बहुत अच्छा मौका मिल गया, भारत ने बोला साहब हम हमारे पैसेंजरों को बचाने के लिए तो लड़ेंगे। तो भारत ने क्या करा कि एक ऑपरेशन लॉन्च करा, ठीक है, ये कहानी यहां से जुड़ी हुई है, ऑपरेशन लॉन्च करा गया, ऑपरेशन विजय। अब ध्यान रखिएगा ऑपरेशन विजय किस लिए चला गया है, गोवा को लिबरेट कराने के लिए। ऑपरेशन विजय के तहत 17 दिसंबर 1961 को भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना और भारत की जो तीनों सेना है, वो तीनों सेनाएं यहाँ पर पहुंच जाती है और गोवा को लिबरेट कराने के लिए, गोवा को मुक्त कराने के लिए तैयार हो जाती है। 18 दिसंबर तक तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा गोवा, आधे से ज्यादा गोवा जो है वो भारत के कंट्रोल में आ जाता है और फाइनली 19 दिसंबर 1961 को जो उस समय पुर्तगाली गवर्नर होते हैं गोवा में जो बैठे हुए, वो सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर जो है वो नेहरू जी को सौंप देते हैं कि नेहरू जी गलती हो गई, माफी चाहूंगा, हमें नहीं पता था आप इतना बड़ा कदम उठा लोगे, तो ये लो सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर, गोवा आज से आपका है। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा का लिबरेशन डे आता है, मतलब उस दिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत में मिल गया था, सभी लोग भारत में मिलना चाहते थे, खुश थे, सब मिल गए। परंतु पुर्तगाल उस समय के बाद भी यही चाहता था कि, पुर्तगाल का यही कहना था कि नहीं साहब जो भारत ने
लिया है गोवा वो इलीगल है, गलत है, वो हमारा था, हमारे पास ही रहना चाहिए। और उस समय काफ़ी जो पश्चिमी देश है इन्होंने भी मतलब भारत का काफ़ी विरोध करा और करा, परंतु भारत ने किसी की नहीं सुना, बोला हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस प्रकार से हमने गोवा को क्या कर लिया, भारत में मिला लिया, भारत का ही था। ओके, 19 दिसंबर 1961। ये कहानी भी देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ, मेरा कर्तव्य है बेटा जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना मैं आपको बताऊँ। आज गोवा की मुक्ति का टॉपिक आया तो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट कैसे मिला है, तो वो आज आपको मैंने बता दिया। इतना डिटेल में भी कोई नहीं जाता, ठीक है, पर मैं गया हूँ जिससे कि आपको नॉलेज हो। गोवा की मुक्ति, हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। तो 1947 में भारत ने अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया, अंग्रेजी जो शासन है वो चला गया, पर पुर्तगाल ने गोवा से, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया, बोला हम नहीं जाएंगे। ये क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था, ठीक है। 16वीं सदी का मतलब क्या हो गया, 1500 से लेकर के 1600 तक का जो दौर है, इस सदी में से ही औपनिवेशिक शासन में था। मैंने आपको कहा 1498 में वास्को डी गामा आ गया और 1510 में अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने गोवा को पूर्ण रूप से कैप्चर कर लिया। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था, ठीक है। तो ये लोगों ने, पुर्तगालियों ने क्या करा, गोवा की जनता का दमन करा, उन पर शोषण करा, उन पर अत्याचार करा, उनकी इच्छाओं को दबा दिया और उसने यहाँ के लोगों को, नागरिकों को अधिकारों से वंचित रखा, उनको अधिकार नहीं दिए और बलात् धर्म परिवर्तन भी कराया और जबरदस्ती क्या है, लोगों का यहाँ पर धर्म परिवर्तन भी कराया, क्योंकि यहाँ का जो पुर्तगाली है वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई धर्म के लोग हैं, तो वो यहाँ पर आकर के ईसाई का जो विचार है उसको फैलाया और लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश करी। तो भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक, बड़ी शांति से, बड़े आराम से पुर्तगालियों को समझाने की कोशिश करी कि भैया आप चले जाओ यहाँ से, उसी में आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, और हम अगर आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप टिक नहीं पाओगे। वही हुआ, गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश करी, परंतु पुर्तगाली नहीं माने। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान करा। तो आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन भी चलता है और इसमें जो महाराष्ट्र के जो समाजवादी जो सत्याग्रह होते हैं उन्होंने भी इसको बल प्रदान करा कि नहीं साहब, हम भी आपके साथ हैं और गोवा को पुर्तगालों से आज़ाद होना ही चाहिए। ये एक तस्वीर आपको दिखाई। आखिरकार दिसंबर 1961, कितनी दिसंबर, 19 दिसंबर, कितनी, 19 दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। 17 दिसंबर को भेजी है पर फाइनली 19 दिसंबर को लिबरेट हो जाएगा। जो पुर्तगाली गवर्नर है गोवा में वो सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर नेहरू जी को सौंप देंगे। 2 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश रहे, ठीक है। तो 2 दिन की कार्रवाई, 17, 18, 19, 2-3 दिन में उन्होंने कवर कर लिया इंडिया को पूरा और गोवा, दमन और दीव ये जो है संघ शासित प्रदेश बना दिया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दिया गया। जल्द ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। अब एक और समस्या हो गई। अब एक और समस्या क्या है वो देखिए, पुर्तगालियों को तो भगा दिया, उसके बाद क्या समस्या है, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए क्योंकि ये मराठी भाषी क्षेत्र है। तो अब महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, इन्होंने ये डिमांड करी सरकार से कि भाई जो गोवा है ना, गोवा को क्या करो, महाराष्ट्र में मिला दो। क्यों मिला दो महाराष्ट्र में, क्योंकि मराठी भाषी क्षेत्र है गोवा जो है, वो मराठी भाषी क्षेत्र है, मराठी भाषी क्षेत्र इसलिए महाराष्ट्र में होना चाहिए। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र कब बना, 1960 में बना, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात कब आए अस्तित्व में, 1960 में आए, उससे पहले पूरा क्या था, बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे, परंतु जो बहुत से गोवावासी है, जो गोवा के लोग हैं, वो अपनी गोवानी पहचान, मतलब जो गोवा वाली पहचान है, गोवा वाली संस्कृति है, उसको बनाए रखना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए वो अलग राज्य में ही ठीक थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था, तो जो कोंकणी भाषा है वहाँ के, गोवा के, उसको भी अपने पास बचाए रखना चाहते थे, वो महाराष्ट्र में नहीं मिलना चाहते थे। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी UGP ने किया। तो देखिए अब महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी क्या चाहती है कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, परंतु गोवा का लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रही है वो कौन सी पार्टी कर रही है, यूनाइटेड गोवन पार्टी कर रही है। ये कह रही है नहीं नहीं भैया, हमें आज़ाद रहने दो, हम राज्य के रूप में, संघ शासित प्रदेश के रूप में ठीक है, हमें महाराष्ट्र में नहीं मिलना है। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। अब 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा की जनता को बोला भैया हम एक जनमत सर्वेक्षण करा रहे हैं, मतलब एक सर्वे सा है, आप लोग बता दीजिए कि भैया आप महाराष्ट्र मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। नहीं मिलना चाहोगे तो कोई नहीं मिलाने वाला, आप चिंता ही मत करो, और अगर आपके लोगों ने सपोर्ट कर दिया, एक ज़्यादा लोग कहते हैं हाँ मिलना चाहते हैं, तो भैया फिर मिला देंगे।
इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। तो गोवा के लोगों से पूछा गया कि भाई आप महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। अब लोग क्या कहते हैं वो देखिए। इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। यहाँ पर सरकार ने जनता की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह कराया, ठीक है। तो सरकार हर जगह जनमत संग्रह करवा करके जनता की इच्छा जान करके ही उनके अनुसार काम कर रही है। तो अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। तो उन्होंने बोला नहीं साहब, हमें महाराष्ट्र में नहीं मिलना है, हम अलग ही ठीक है, हम चाहे संघ शासित प्रदेश में रहें चाहे राज्य बनाए, जैसा भी केंद्र सरकार की इच्छा वो ठीक है, परंतु महाराष्ट्र में ना मिलाए, क्योंकि हमारी एक गोवानी पहचान है, हमारी कोंकणी भाषा है, हम उसकी बचाए रखना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना रहा और अंततः 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बन गया। तो 1961 में हमने गोवा को उनसे आजाद कराया पुर्तगालियों से, और फिर 1987 में क्या करा गया, उसको राज्य बना दिया गया। 1961 से लेकर के 87 तक ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना रहा, संघ शासित प्रदेश बना रहा, मतलब केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल वहां पर होगा। देखिए अब आप इस चीज को समझिएगा, जम्मू कश्मीर के विवाद को आप देखिए। जम्मू कश्मीर के विवाद में 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाकर के डायरेक्ट कंट्रोल में लिया। यहाँ पे पुर्तगाल को फ्री कर करके गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, डायरेक्ट राज्य नहीं बनाया। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है, राज्य नहीं घोषित करा। क्यों? क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं वापस से कोई इस प्रकार की अलगाववादी जो विरोधी भावना है वो ना हो जाए, क्योंकि राज्य बना देंगे तो राज्य सरकार के पास क्या बहुत ज़्यादा पावर चली जाती है, और केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट जो पावर है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास आ जाती है। तो इसलिए जब तक बिल्कुल मामला शांत नहीं हो जाता, बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, जब तक केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, गोवा की स्थिति सामान्य लगी, सरकार ने उसको राज्य घोषित कर दिया। यही बात 2019 में संसद में भी कही गई जम्मू कश्मीर को लेकर के, कि जब भी हमें स्थितियां सामान्य लगेगी सरकार के द्वारा, कि जब भी हमें स्थितियां सामान्य लगेगी हम जम्मू कश्मीर को राज्य घोषित कर देंगे, हमारे उसमें कोई आपदा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, परंतु स्थितियां सामान्य होने तक, ठीक है। पुडुचेरी को राज्य ना बनाने के कुछ और भी अलग कारण है बेटा। पुडुचेरी का अगर आप कभी देखेंगे ना, तो वो भागों में बटा हुआ है, तीन चार जो टेरिटरी है, एक आंध्र प्रदेश में है कहीं एक तरह ही, तो उसको आप देखिएगा। पुडुचेरी पर हम अलग से कभी चर्चा करेंगे कि वहाँ से फ्रांस को हमने कैसे बाहर करा, परंतु ये जो आज हमारे बुक में टॉपिक था, ये टॉपिक भी कंप्लीट और आज का लेक्चर भी कंप्लीट। अब इसका एक लेक्चर और आएगा बच्चों, जिसमें हम एक तो सिक्किम का विलय पढ़ेंगे और एक जो लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय अखंडता वाला, कि वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो इस किताब का आखिरी अध्याय होगा वो भी कर लेंगे, और फिर हम हमारे समकालीन विश्व राजनीति की किताब पर चलेंगे। और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को बढ़ाते रहिए। लिंक में टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।